नामवर तमिल अदाकारा मेमी चक्रवर्ती को कलकत्ता में जिंसी ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली खातून ट्रेनी डॉक्टर के मामले पर आवाज बुलंद करने पर जिंसी ज्यादती की धमकियां मिलने लगीं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाली अदाकारा और तर्मिनल कांग्रेस की साबिक एमपी मेमी चक्रवर्ती को सोशल मीडिया पर कलकत्ता कत्ल के खिलाफ पोस्ट लगाने पर असमत दरी की धमकियों का सामना करना पड़ा, जिसका इंकशाफ अदाकारा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया। अदाकारा ने एक्स यानी सबका ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें दर्ज था कि हम खवातीन के हकूक का मुतालबा कर रहे हैं। कई ऐसी जगहें हैं जहां मजमे में छुपे बाज मर्द खवातीन के साथ खड़े होने के दावे की आड़ में जिंसी ज्यादती को आम किए हुए हैं। कौन सी तालीम और परवरिश इस बात की इजाजत देती है? ख्याल रहे, कलकत्ता के आरजे कार मेडिकल अस्पताल में खातून ट्रेनी डॉक्टर की जिंसी ज्यादती और कत्ल केस के खिलाफ डॉक्टर्स ताहाल बायकॉट पर हैं, जिसकी वजह से भारत का हेल्थ सिस्टम बुरी तरह मुतासिर है। अहले खाना और नामवर शख्सियात समेत अवाम की बड़ी तादाद मुलजिम की सख्त सजा का मुतालबा कर रही है। अदाकारा मिमी चक्रवर्ती भी इन अफराद में शामिल हैं जिन्होंने आगाज से ही कलकत्ता ज्यादती केस के खिलाफ भरपूर तरीके से आवाज बुलंद की। हाल ही में अदाकारा ने भारत के दीगर अदाकारों के हमरा कलकत्ता ज्यादती केस के खिलाफ होने वाले एहतजाज में शिरकत भी की थी, जिसके बाद अदाकारा ने इंकशाफ किया कि इन्हें सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जिनसी ज्यादती की धमकियां दी जाने लगी हैं। वाज़ह रहे, मिमी चक्रवर्ती 2014 से 2019 तक तर्मिनल कांग्रेस पार्टी की रुकने असेंबली भी रह चुकी हैं।